बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 न्यू इंग्लिश बुक यूनिट नंबर 7.3 रिवीजन ऑफ प्रीपोजिशन मोमेंट एंड डायरेक्शन। एक्सरसाइज नंबर 1 वर्क इंडिविजुअली चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द प्रीपोजिशंस ऑफ मोमेंट एंड डायरेक्शन गिवन इन पेरेंटेसिस। आफ्टर कंप्लीटिंग कंपेयर योर आंसर्स विद योर पार्टनर। इसमें है कि इनफरादी तौर पर काम करें और सही ऑप्शन प्रीपोजिशन मोमेंट के मोमेंट और डायरेक्शन के प्रीपोजिशन में से सही ऑप्शन चुनें, चूज करें जो दिए हुए हैं इन पेरेंटेसिस, जो जुमले मोतरीजा में दिए हुए हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग, कंप्लीट करने के बाद कंपेयर योर आंसर्स, अपने जवाबात कंपेयर करो विद योर पार्टनर, अपने साथी के साथ। नंबर 1, लेट्स गो फॉर अ वॉक बाय द रिवर। इसमें 3 दिए हुए, हमने बाय चुना है। लेट्स गो फॉर अ वॉक बाय द रिवर। नंबर 2 है, आई एम गोइंग टू द शॉप टू बाय सम ग्रोसरी। हम ग्रोसरी ख़रीदने के लिए शॉप गए, जा रहे हैं। में 3 दिए हुए हैं तो 2 हमने चुना। नंबर 3, वी सेल्ड अराउंड द बे टुडे। हम खलीज में घूमते रहे आज के दिन। वी सेल्ड, हम घूमते रहे, सफ़र करते रहे, बहरी सफ़र। अराउंड द बे टुडे, खलीज में आज का दिन, सारे खलीज में आज का दिन। अराउंड द बे सारे खलीज में। नंबर 4, लेट्स वॉक थ्रू अंडर द फॉरेस्ट। अंडर है, ओवर है, थ्रू है। लेट्स वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से चलें। आई एम गोइंग टू पेरिस इन मई। इसमें से 3रा ऑप्शन। नंबर 6, We walked all around the city center. हम सिटी सेंटर में घूमते रहे, मरकजी शहर में घूमते रहे। But couldn't find the store. लेकिन हम स्टोर नहीं तलाश कर पाए। नंबर 7, He put the open book on the desk. उसने रखा खुली हुई किताब डेस्क पर। And asked the child to read. और बच्चे से कहा कि पढ़ो, और बच्चे से पढ़ने के लिए कहा। on यहाँ on भर दिया खाली जगह में, 3 ऑप्शनों में से। नंबर 8, the lion walked in a circle around the baby giraffe before attacking it. बेबी जिराफ पर अटैक करने से पहले शेर चला सर्कल के तौर पे, दायरे के तौर पे, अराउंड द बेबी जिराफ के चारों तरफ। बिफोर अटैकिंग इट, इसके ऊपर हमला करने से पहले। नंबर 9, द ट्रेन पास थ्रू 9 टनल। द ट्रेन पास थ्रू 9 टनल्स ऑन द वे टू पेशावर। पेशावर को जाते हुए ट्रेन ने पास की, गुजरा थ्रू के ज़रिए 9 टनल्स, 9 सुरंगों से। नंबर 10, हिज डॉग इज ऑलवेज ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम द बैकयार्ड। घर की पिछली सहन से कुत्ते ने भागने की कोशिश की, हमेशा ट्राई करता रहा भागने की। The dog is always trying. कुत्ता हमेशा ट्राई करता है to escape, बचने की, from the backyard, backyard से। Preposition के मतलब exercise number 2, work individually, choose the right option to complete the sentences. After completing, compare your answers with your partner. वर्क इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर काम करें। चूज़ द राइट ऑप्शन टू
टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, सही ऑप्शन चुने सेंटेंसेस मुकम्मल करने के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग मुकम्मल करने के बाद कंपेयर योर आंसर्स विद योर पार्टनर, अपने आंसर्स अपने पार्टनर के साथ कंपेयर करें। नंबर वन, बी केयरफुल व्हेन यू वॉक डैश द स्ट्रीट, यू मे इनकाउंटर स्ट्रे डॉग्स देयर। बी केयरफुल व्हेन यू वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट, जब तुम स्ट्रीट रास्ते के या सड़क के या गली के पार हो तो होशियार रहना, अक्रॉस लगेगा यहाँ। यू मे इनकाउंटर स्ट्रे डॉग्स देयर, आपका सामना हो सकता है स्ट्रे डॉग्स देयर, आवारा कुत्तों का वहाँ। नंबर टू, द कार इज गोइंग डैश द टनल टू रीच द स्टेशन, थ्रू लगेगा यहाँ। द कार इज गोइंग थ्रू द टनल, कार इज गोइंग, कार जा रही है थ्रू द टनल, सुरंग के जरिए, टू रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुँचने के लिए। थ्री, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग, एक परिंदों का गोल उड़ रहा है। डैश द ट्रीज अंडर द ब्लू स्काई, ओवर द ट्रीज, दरख्तों के ऊपर, अंडर द ब्लू स्काई, नीले आसमान के नीचे। नंबर फोर, शी वॉक्ड डैश द किचन एंड पुट हर पैकेज ऑन द टेबल, ही वॉक्ड इन टू द किचन, वो किचन के अंदर चला या दाखिल हुआ, एंड पुट, और रखा हर पैकेज, अपने पैकेज को ऑन द टेबल, टेबल पर, इन टू आएगा इसमें। नंबर फाइव, रिवर कुनहार फ्लोज टूवर्ड्स द लेक, रिवर कुनहार बहता है झील की जानिब, टूवर्ड्स आएगा यहाँ पर। नंबर सिक्स, वाइल वेटिंग फॉर माई ट्रेन, अपने ट्रेन, जबकि अपने ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, आई टुक अ वॉक अराउंड द स्टेशन, मैं चला सारे स्टेशन में घूमा, अराउंड लगेगा यहाँ। नंबर सेवन, अ फॉर्मेशन ऑफ 12 एयरप्लेन्स फ्लू ओवर आवर हाउसेस, 12 जहाज हमारे घर के ऊपर से उड़े, यहाँ लगेगा आवर। नंबर एट, द डोर वॉज लॉक्ड, दरवाज़ा बंद था, सो आई शफ्ड द लेटर, तो मैंने दिखेला खत, अंडर द डोर, दरवाजे के नीचे से, अंडर लगेगा यहाँ। नाइन, द पोचर्स गो इन द फॉरेस्ट टू हंट एनिमल फॉर दियर हाइट, शिकारी जंगल में जाते हैं जानवरों का शिकार करने के लिए। नंबर टेन, आई स्लिप्ड, मैं पिसला, एज आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पर कदम रखा मैं पिसल गया। प्रीपोजिशन के मुतालिक अभी एक्सरसाइज नंबर थ्री, इन खाली जगहों में ये सब भरना जो भी मुनासिब हो, इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी एक दो या तीन प्रीपोजिशन मिलकर एक कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाता है, ये हमने यहाँ फिट करने हैं। वर्क इंडिविजुअली, यूज एन एप्रोप्रिएट कंपाउंड प्रीपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन अबव टू कम्प्लीट द सेंटेंसेज बिलो, इनमें से कोई चुनना है कंपाउंड प्रीपोजिशन, सही सही वाला प्रीपोजिशन चुनना है सही तरीके से,
फ्रॉम द लिस्ट गिवन अबाव, ऊपर की लिस्ट से, टू कम्प्लीट द सेंटेंसेस, सेंटेंस कम्प्लीट करने के लिए, आफ्टर कम्प्लीटिंग, कम्प्लीट करने के बाद, कंपेयर योर आंसर, अपने जवाब शेयर करो, कंपेयर करो अपने पार्टनर के साथ, एंड मेक करेक्शंस, और तसही करो वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरत हो. नंबर वन, ही कांट परफॉर्म एनी मोर ड्यू टू हिज फेलिंग हेल्थ. वो और परफॉर्म नहीं कर सकता इसकी कमज़ोर होती हुई सेहत की वजह से. नंबर टू, द विलेजर्स हैड टू कैरी पेल्स ऑफ वाटर इन एडिशन टू देयर वर्क इन द फील्ड्स. विलेजर्स को यानी देहातियों को पानी की बाल्टियाँ ले जानी पड़ी हैं इन एडिशन टू देयर वर्क इन द फील्ड्स, इनके फील्ड्स में, खेतों में काम करने की वजह से. नंबर थ्री, समीर वॉज नेवर इन फेवर हिज पेरेंट्स गोइंग टू द सिटी. समीर कभी भी फेवर हक में नहीं था अपने वालदेन का शहर जाने के लिए. नंबर फोर, दिस थ्योरी इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हिज फिलासफी. इसके फिलासफी के मुताबिक ये थ्योरी रॉन्ग है, नज़रिया रॉन्ग है, गलत है. द मैच वॉज डिलेड ड्यू टू रेन. मैच डिले हुआ बारिश की वजह से. दिस डॉग हैज़ बीन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी फॉर 1 आवर. ये कुत्ता बैठा हुआ है 1 घंटे से मेरे आगे, इन फ्रंट ऑफ मी. आई गेव हिम अ न्यू बुक इन रिटर्न फॉर द वन आई लॉस्ट. मैंने इसे एक नई बुक दी उस बुक के बदले में जो मैं गुम कर चुका था. वी विल इन्फॉर्म यू लेटर. हम तुम्हें बाद में इन्फॉर्म करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ये सिचुएशन सूरत हाल पर डिपेंड करता है. द वैन स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल. गाड़ी जो वैगन है वो स्टॉप हो गई, रुक गई हॉस्पिटल के आगे. यू विल हैव टू लीव योर पोजिशन. आपने अपनी पोजिशनें छोड़ देनी है. यू विल हैव टू लीव. आपको अपनी पोजिशनें छोड़ देनी है. इन केस ऑफ एनी चेंज, इन केस ऑफ एनी चेंज इन द प्लान. जहाज में कोई भी चेंज होने की सूरत में. आगे प्रोपोजिशन के बारे में ये कहानी लिखी हुई, इसी में ये सब कुछ भरना है. एक्सरसाइज नंबर 4. वन हॉट समर मॉर्निंग. एक गर्म गर्मियों के सुबह में, इन स्पाइट ऑफ द इंटेंस हीट, सख्त गर्मी के बावजूद वी डिसाइडेड टू टेक अ ट्रिप आउट ऑफ द सिटी एंड गो टू द ओशन. के हमने फैसला किया टू टेक अ ट्रिप, कि एक सफ़र करें आउट ऑफ द सिटी, सिटी से बाहर, एंड गो टू द ओशन, और जाएं समंदर की तरफ. वी गॉट इन टू द कार. हम कार में बैठ गए एंड ड्रो डाउन द हाईवे, और हाईवे की तरफ चलाया कार को. विच वेंट ऑन वन साइड ऑफ द माउंटेन. जो एक माउंटेन के, एक पहाड़ के एक साइड पे जा रहा था जो हाईवे, एंड केम अप द अदर साइड, और दूसरी साइड की तरफ निकलता था. देन द हाईवे वेंट अराउंड अ पार्ट ऑफ द लेक. इसके बाद हाईवे जाती थी अराउंड अ पार्ट ऑफ द लेक, एक लेक झील के एक हिस्से की तरफ, एंड ओवर द ब्रिज, और ब्रिज के ऊपर. आफ्टर दैट, इसके बाद वी ड्रो, हम चले थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के ज़रिए, एंड पास द बिग वाटर टावर, और बिग वाटर टावर को पास किया. वी अराइव्ड, हम पहुँचे एट द बीच, साहिल पर, बाय नून, दोपहर को, ड्यू टू हैवी ट्रैफिक की वजह से. अकॉर्डिंग टू द मैप के मुताबिक, द वाटर दैट फ्लोट, पानी जो बह रहा था,
इन द रिवर, जो दरिया में बह रहा था, केम फ्रॉम द मेल्टेड ग्लेशियर्स, वो था फ्राम से द मेल्टेड ग्लेशियर्स, पिघली हुई बर्फ के ग्लेशियर से वो पानी आता था। वन ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो टोल्ड मी, एक मेरे दोस्त ने कहा मुझसे, बी मुझसे कहा, दैट नेटिव्स प्रिफर्ड टू लिव ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, के नेटिव्स जो हैं, जो वहाँ के लोग हैं, प्रिफर्ड, वो तरजीह देते हैं टू लिव, के रहें ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों के ऊपर, सबसे ऊपर, एज दे फेल्ट, जैसा कि वो लोग महसूस करते हैं, सेफ देयर, वहाँ महफूज रहना। यहाँ एक्सरसाइज नंबर 5 में कंडीशनल सेंटेंसेस के जो ना वो 3 टाइप्स किस्में दी हुई हैं। टाइप नंबर 1 में प्रेजेंट एक्शन लीडिंग टू फ्यूचर रिजल्ट्स, ये पार्ट नंबर 1 में दें कि इफ क्लास का जो हिस्सा, जो सेंटेंस का जो हिस्सा है इफ वाला, वो इस तरह आएगा कि प्रेजेंट होगा पहले सिंपल वर्ब में, और विल, कैन, माइट वर्ब के साथ वर्ब शामिल होगा। जिस तरह ये जुमला लिखा हुआ है, इफ़ द टीम प्लेज वेल, अगर टीम अच्छा खेलती है, दे विल गेट इनटू द फाइनल्स, तो वो फाइनल में पहुंच जाएंगे। आगे एक जुमला प्रेजेंट का और एक जुमला मुस्तकबिल का दिया हुआ, इसको हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, यानी द टीम विल गेट इनटू द फाइनल्स इफ दे प्लेज वेल, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, उल्टा कर लेते हैं। और दूसरा टाइप है, इसमें पास्ट सिंपल इस्तेमाल, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ था, फिर एक पास्ट सिंपल इस्तेमाल होगा, पहला जुमला इफ वाला क्लास जो है ना, वो पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होगा, और इसके बाद कुड या वुड या माइट के बाद वर्ब लगेगा, सादा फॉर्म लगेगी वर्ब की। तो इफ़ आई वर्कड हार्डर, अगर मैंने काम किया होता सख्त, अगर मैंने सख्त मेहनत की होती, आई कुड गेट बेटर रिज़ल्ट, मैं अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकता था, लेकिन मैंने अच्छा काम नहीं किया तो नतीजा भी हासिल नहीं हुआ। अभी तीसरा जुमला है, इफ़ ही हैड लिसन्ड टू हिज पेरेंट्स, अगर वो अपने पेरेंट्स की बात सुनता होता, ही वुड हैव गॉट द जॉब, तो उसे जॉब मिल जाती, लेकिन उसने पेरेंट्स की बात सुनी नहीं और जॉब मिली नहीं। तो इसके ऊपर सबसे पहले वाला सेंटेंस वो मुमकिनात में से है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये नामुमकिनात, दोनों जुमले नामुमकिनात में से हैं कि ऐसा भी नहीं हो सकता, ये माजी के कामों पर अफसोस जाहिर करने वाली बात है। यहाँ तीसरे टाइप में पास्ट परफेक्ट वर्ब होगा, फिर इसके बाद जो दूसरा इफ़ क्लाज है, और जो दूसरा क्लाज है यानी दूसरा हिस्सा जुमले का, तो उसमें वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, यानी माइट हैव किसी काम की मजबूरी नहीं होगी, वो मर्ज़ी के मुताबिक होता, माइट हैव यानी शायद कर सकता हो, माइट हैव, कुड हैव, फिर वर्ब आएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी दोनों सूरतों में, यहाँ भी और यहाँ भी, जुमले के पहले हिस्से में भी और जुमले के दूसरे हिस्से में भी। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, इसमें खाली लिखा है कि टाइप 3 कंडीशनल है, वो इज़ यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट वाज नॉट डन, जो अभी हुआ नहीं है, लेकिन उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो चीज़ ना हुई हो, विच लेड टू रिजल्ट अबाउट विच नथिंग कैन बी डन नाउ, उसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता, एक चीज़ ना हुई हो उसके बारे में हम बात करेंगे, जो पिछले गुजरे हुए ज़माने में एक चीज़ ना हुई हो और अब उसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता, वो चीज़ गुजर गई है, वो ज़माना भी गुजर गया। यानी इफ़ आई हैड स्टडीड मोर, अगर मैं ज़्यादा पढ़ाई करता, आई वुड हैव पास्ड माई एग्ज़ाम,
तो मैं एग्ज़ाम पास कर लेता, लेकिन यह है कि मैंने पढ़ाई की नहीं ज़्यादा और मैंने एग्ज़ाम पास भी नहीं किया, तो ना मैंने वो मेहनत की ना मैंने इम्तिहान पास किया, तो सब कुछ माजी का हिस्सा बन चुका है। बट आई डिडेंट, लेकिन हमने नहीं किया, एंड सो आई फेल्ड एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, और मैं फेल हो गया और उसके बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो काम वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं दोबारा दूसरे सिरे से मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन वो काम अभी दोबारा उसके बारे में खाली बात की जा सकती है बस। अबे आप ही आगे एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 5, ये वही लिखा हुआ है कि वर्क विद योर पार्टनर ओरली डिस्कस द फॉलोइंग टाइप 1 कंडीशनल। टाइप 1 कंडीशनल के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस एक्सरसाइज बाय यूजिंग द वर्ड्स प्रोवाइडेड, वो वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो दिए हुए हैं जुमले के आगे दिए हुए हैं। देन फिर डू इट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में करो। यू मे रिफर टू द टेबल गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिट एज एंड वेन नीड, जब तुम्हें ज़रूरत हो तो आप टेबल से पीछे जो टेबल हमने टाइप 1 कंडीशनल और 2 कंडीशनल और 3 कंडीशनल में पढ़ा उससे आप रुजू कर सकते हो, यानी आप इससे मदद ले सकते हो कि जिस तरह के सेंटेंस होंगे आप उसी तरह, ये फार्मेशन का तरीका, ये फार्मेशन का तरीका, ये फार्मेशन का तरीका, और ये फार्मूला है कि इस तरीके से हमने अल्फाज रखने। नंबर 1 है वी विल डिस्ट्रॉय ऑल आवर वाइल्ड लाइफ इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, हम अपनी तमाम जंगली ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर देंगे, तबाह कर देंगे अगर हम एहतियात ना करें। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वी विल डिस्ट्रॉय ऑल आवर वाइल्ड लाइफ। नंबर 2 है इफ़ वी डंप ऑल सॉर्ट्स ऑफ केमिकल्स इनटू रिवर्स, अगर हम डंप करें जमा करें ऑल सॉर्ट्स ऑफ केमिकल, सारे केमिकल की सारी अकसाम इनटू रिवर्स दरियाओं में, वी विल पलूट देम, तो हम उसे गंदा कर देंगे। नंबर 3 है वी विल कट ट्रीज एट द प्रेजेंट स्पीड, इफ़ वी कट ट्रीज एट द प्रेजेंट स्पीड, अगर हम दरख्तों को काटते हैं मौजूदा स्पीड के मुताबिक, वी विल इन डेंजर आवर ऑक्सीजन सप्लाई, हम अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को ख़तरे में डाल देंगे। इफ़ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज द सी लेवल्स विल राइज, अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है तो सी लेवल राइज होगा, बढ़ेगा। वील थ्रीटन आवर ओन एग्जिस्टेंस इफ़ वी प्रोड्यूस वेस्ट एट द प्रेजेंट रेट, इफ़ वी प्रो उसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, इफ़ वी प्रोड्यूस वेस्ट एट द प्रेजेंट रेट, अगर हम कचरा प्रोड्यूस पैदा करते रहें प्रेजेंट रेट के मुताबिक, प्रेजेंट स्पीड के मुताबिक, वी विल थ्रेटन आवर ओन एग्जिस्टेंस, तो हम अपने वजूद के लिए ख़तरा बन जाएंगे, हम अपने वजूद को धमकी देंगे। नंबर 6, द ट्रैफिक फ्लो विल बी बेटर इफ़ एवरी वन फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, इफ़ एवरी वन फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अगर सब जो है ना वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, द ट्रैफिक फ्लो विल बी बेटर, तो ट्रैफिक का बहाव जो है ना बेहतर हो जाएगा। नंबर 7, इफ़ आई गिव यू सम ऑफ द चॉकलेट्स, अगर मैं तुम्हें कुछ चॉकलेट्स दूँ, आई विल हैव वेरी फ्यू लेफ्ट फॉर द पार्टी, तो पार्टी के लिए मेरे पास बहुत कम रह जाएंगे। नंबर 8, यू विल गेट बेटर मार्क्स,
नेक्स्ट टाइम आप अगले टाइम बहुत अच्छे मार्क्स लोगे इफ़ यू स्पेंड लेस टाइम ऑन वीडियो, अगर आप खर्च करें कम टाइम वीडियो पर। अगर आप वीडियोज़ वगैरह देखने में, वीडियो गेम्स देखने में या वीडियो गेम्स पर कम टाइम खर्च करोगे तो आप बेहतरीन मार्क्स लोगे अगले टाइम में। स्कूल टॉप करके पढ़ सकते हो इस तरह, इफ़ यू स्पेंड लेस टाइम ऑन वीडियो गेम्स यू विल गेट बेटर मार्क्स नेक्स्ट टाइम। नंबर 9, इफ़ यू शाउट सो लाउडली ड्यूरिंग द मैच, अगर आप मैच के दौरान इतनी ज़ोर से चीखोगे, यू विल डिस्टर्ब आवर नेबर्स, तुम आप हमारे पड़ोसी को डिस्टर्ब कर दोगे। नंबर 10, वी विल विजिट द एफिल टावर इफ़ यू गो टू पेरिस, हम विजिट कर लेंगे एफिल टावर का अगर हम पेरिस जाएंगे। स्कूल टा भी करके पढ़ सकते हैं, इफ़ वी गो टू पेरिस, अगर हम पेरिस जाते हैं, वी विल विजिट द एफिल टावर, तो हम एफिल टावर का विजिट करेंगे। नंबर 6 में है ये कि उसी तरह है लेकिन टाइप 2 कंडीशनल को इसमें इस्तेमाल करना है। नंबर 1 है इफ, यानी पहले पास्ट और फिर बाद में कुड माइट और या वुड लगाना पड़ेगा हमें। इफ़ यू वोर डार्क ग्लासेस, अगर आप डार्क ग्लासेस पहनो, यू कुड प्रोटेक्ट योर आइज, तो अपने आँखों की हिफाजत कर सकोगे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू इंटर द बिल्डिंग्स इफ द पोर्टर स्टॉप्ड अस, अगर पोर्टर ने हमें स्टॉप कर दिया, अगर पोर्टर ने अगर स्टॉप किया तो ये नामुमकिन हो जाएगा हमारे लिए बिल्डिंग में दाखिल होना। आई माइट टू, यहाँ होगा इट माइट या इट कुड, इट माइट बीन इम्पॉसिबल टू इंटर द बिल्डिंग इफ द पोर्टर स्टॉप्ड अस। आई माइट टू, आई माइट डू दिस वर्क, मैं ये काम शायद कर सकता हूँ फॉर यू, तुम्हारे लिए कर सकता था तुम्हारे लिए। इफ टाइम परमिटेड, अगर टाइम ने इजाज़त दी होती, इसको यूँ उल्टा भी पढ़ सकते हो, इफ़ टाइम परमिटेड आई माइट डू दिस वर्क फॉर यू। इफ़ आई वॉन अ लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीता होता, आई कुड बाय अ न्यू कंप्यूटर, तो मैं एक नया कंप्यूटर ख़रीद सकता। नंबर 5, ही माइट टेक लीव, वो छुट्टी ले सकता था, वो शायद छुट्टी ले लेता इफ ही कॉट कोल्ड, अगर उसे नज़ला हो जाता। इफ़ ही कॉट कोल्ड, अगर उसे नज़ला हो जाता, ही माइट टेक लीव, वो शायद छुट्टी ले लेता। नंबर 6, इफ़ द पुलिस ट्राइड हार्ड, अगर पुलिस सख्त मेहनत करती, इनफ काफ़ी, दे कुड सेंड द थीफ टू प्रिजन, तो वो प्रिजन थीफ को, चोर को प्रिजन में भेज देती, जेल में। माई फ्रेंड माइट गेट यू अ कंसेशन, मेरा फ्रेंड तुम्हें तुम्हारे साथ रियायत हासिल कर लेता। इफ़ यू परचेज द ओवन फ्रॉम हिम, अगर आप भट्टी उनसे ख़रीदते। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम्हारी बजाय होता, आई वुड अप्लाई फॉर द जॉब, मैं जॉब के लिए अप्लाई करता। इफ़ द डॉक्टर अलाउड हिम, अगर डॉक्टर इनको अलाउड करता, ही कुड गो टू वर्क, तो वो काम पर जा सकता था। इट वुड गिव मी अ लॉट ऑफ प्लीजर, ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे देता।
इफ़ दे एक्सेप्टेड द गिफ्ट, अगर वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करते। एक्सरसाइज नंबर 7 में अब वो थर्ड टाइप के कंडीशनल हैं, वो हमने यहाँ फिट करने हैं। नंबर 1 है इफ द फ्लाइट हैड अराइव्ड ऑन टाइम, अगर जहाज टाइम पर आ चुका होता। माई बॉस वुड हैव कम टू द मीटिंग, तो मेरा बॉस मीटिंग के लिए आ जाता। दे वुड हैव ईटन ऑल द फूड, वो सारा खाना खा चुके होते। If I had kept it on the table, अगर मैं इसे टेबल पर रख लेता। If the driver had stopped at the turning, अगर ड्राइवर स्टॉप हो जाता टर्निंग पर। The old woman would have crossed the road easily, तो बूढ़ी औरत रोड को क्रॉस कर लेती आसानी से। If you had taken your umbrella, अगर आप अपना अम्ब्रेला ले लेते। You would have avoided getting wet in the rain, तो आप बारिश में भीगने से बच जाते। I would have escaped the storm, मैं तूफान से बच जाता। If I had been more cautious, अगर मैं ज़्यादा एहतियात करता। The people would have lived if they had known that there was no food, लोग चले जाते अगर उन्हें मालूम होता कि वहाँ कोई खुराक नहीं है। द चाइल्ड वुड हैव फॉरगॉटन द पनिशमेंट, बच्चे सजा को भूल जाते। इफ़ द स्कार्स हैड डिसअपीयर्ड, बच्चा भूल जाता पनिशमेंट को अगर निशानात गायब हो जाते। इफ देयर न्यू प्लेयर, अगर इनका नया खिलाड़ी हैड परफॉर्म्ड एज एक्सपेक्टेड, अगर परफॉर्म करता जैसा कि उनसे उम्मीद थी। They would have won the match, तो वो मैच जीत जाते। There would have been no fight, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। If the police had arrived in time, अगर पुलिस सही वक्त पर पहुंच जाती। If he had attempted the question, अगर वो क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करता। The teacher would have give him some marks, तो टीचर उनको कुछ ना कुछ मार्क्स दे देते।